हेलो डियर, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर सर्कल को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ टॉपिक है जो कि कुछ टर्म है जिसको हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि टेंजेंट हो गया, कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, सेकेंट हो गया और लास्ट में लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। ये सब कुछ आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, बट फिर भी एक बार यहाँ पर उसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद सर्कल का जो मेन थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद एक एक करके सभी थ्योरम को हम लोग इसमें फिर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि टेंजेंट किसको बोलते हैं। सर्कल में एक टेंजेंट होता है, ठीक है, वो टेंजेंट हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एनी वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। मीन सर्कल पर, सर्कल जो मेरा बना हुआ है, ठीक है, उस सर्कल पर एक ऐसा लाइन जो कि उस सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता हुआ, उसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये सर्कल है, अगर ये इस तरह से सर्कल बना दिए हैं, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में क्या, यहाँ पर ये सेंटर है जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर को, ठीक है। अब इस सर्कल में जो है, इस सर्कल में एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता हो, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का टेंजेंट बोलते हैं। तो एक लाइन हम पास कराते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम बिल्कुल ऐसे क्या किया, पास करा दिए। अब ये लाइन जो ए बी है, ये लाइन अगर हम इसका नाम दें पी क्यू, ये जो लाइन पी क्यू है, ठीक है, ये जो लाइन पी क्यू है, ठीक है, ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को टच कहाँ पर कर रहा है, ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को टच कहाँ पर कर रहा है, तो पॉइंट अगर हम इसका नाम दे दें, अगर इसको ए बोलें और इसको बी और इस पॉइंट को पी बोल दें, ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कल है और ये सर्कल को एक लाइन ए भी है जो कि पॉइंट पी पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ये है जिस पर ये टच कर रहा है, इसके अलावा कहीं भी ये टच नहीं कर रहा है। मतलब ए बी लाइन को हम क्या बोल देंगे, सर्कल का टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। ए बी यहाँ पर क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। चलिए एक बार और इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया ए बी, दैट टचेज द सर्कल एट एनी वन पॉइंट, टचेज द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर, इज कॉल्ड टेंजेंट। एंड अब देखिएगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किस पॉइंट पर टच कर रहा है, पॉइंट पी को ये टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। इस पॉइंट पी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, टचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, अब हम लोग को पढ़ना है कि इसमें कॉर्ड पढ़ना है, ठीक। तो कॉर्ड क्या होता है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। मीन्स कॉर्ड जो हम लोग बोलेंगे, वो सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, उसमें किसी भी दो पॉइंट को क्या करता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, उसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक पॉइंट ये रहा सर्कल पर, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये रहा, अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि इसी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हो, ठीक है, जो कि ये रहा लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तब हम लोग इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी लाइन सेगमेंट को सी और डी, इस सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक। ये जो हो गया क्या, सी डी हो गया, ये सी डी क्या हो गया, कॉर्ड, इस सर्कल का कॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट है डायमीटर, ए डायमीटर इज ए कॉर्ड, डायमीटर क्या, एक कॉर्ड ही है डायमीटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड को ही हम लोग डायमीटर बोलेंगे, लेकिन कब, जब वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करता हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। मीन्स अगर ये जो सेंटर है, ठीक है, अगर एक कॉर्ड, ठीक है, इस सेंटर से अगर हम इसको पास करा दें कॉर्ड को, जो कि सर्कल पर के इस दो पॉइंट को क्या कर रहा है, इस दो पॉइंट को क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट जो कि इस सेंटर से पास कर रहा है, तब इस ए बी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। इस ए बी कॉर्ड को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है इसमें क्या, सेकेंड। अब देखिएगा सेकेंड क्या होता है, यहाँ पर ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सेकेंड ऑफ द सर्कल।
अब यहाँ पर सर्कल और क्वाड में यही डिफरेंस समझिएगा कि ये जो क्वाड जो था, ठीक है, ये सर्कल पर के दो पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल पर के दो पॉइंट को ज्वाइंट कर रहा है, बट सेकेंड जो है सेकेंड वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक लाइन है। ठीक, जैसे कि अगर हम इसको यहाँ पर मिटाते हैं, ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर ये एक सर्कल हो गया और ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या करा, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल। मीन्स एक लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल को दो पॉइंट पर क्या करता हो, इंटरसेक्ट, तो इस तरह से। ठीक है, ये एक लाइन है और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सर्कल पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी पर, और वो लाइन कौन सा है, लाइन हम बोल देते हैं ये पी और ये क्यू लाइन है, एक पी क्यू लाइन है जो कि सर्कल पर के पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सर्कल पर दो पॉइंट को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए और पॉइंट बी, तब इस लाइन पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। जबकि अगर ये लाइन नहीं रहता, ठीक, और पहले से, और ये लाइन नहीं रहता और पहले से ए और बी पॉइंट रहता दो इस पर सर्कल पर, तब उस दोनों पॉइंट को अगर एक लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइंट करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही चीज़। और एक चीज़ और, हाँ, लेंथ ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट एक होता है, वो क्या होता है सो देखिएगा, जैसे कि ये क्या हो गया पी क्यू, ठीक है, ये जो है पी क्यू क्या टेंजेंट हो गया। अब ये पी क्यू जो टेंजेंट है मेरा, ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये क्या, अगर इसको हम ए बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर इसको ए रखिए और इसको बी और इसको पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पी रखिए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, क्यू रख दीजिए। ठीक है, इस क्यू से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, टेंजेंट में क्यू से लेकर यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक का जो लेंथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, यानी कि क्यूपी को हम क्या बोलेंगे, क्यूपी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। अब देखिएगा एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट कहने का मतलब ये कि सर्कल के बाहर जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम हम लोग दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इधर इधर ये हो गया और दूसरा इधर जो कि एक पॉइंट पर यहाँ टच करेगा। एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सर्कल पर एक पॉइंट पर जो है, सर्कल पर एक पॉइंट पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक यही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी टेंजेंट आप इस पॉइंट से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, यही सबका टेंजेंट का क्या प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग इसी में आगे क्या देखेंगे, एक थ्योरम को प्रूफ